कलयुग की अपनी सभा में जो अपने अनुयायी को जो कहता है कि देवताओं की जड़ भगवान विष्णु है, जहां सनातन धर्म है और महिमा का प्रचार प्रसार करने वाले वेद पाठी ब्राह्मण गौ वेद तप और यज्ञ होते हैं जो भगवान को प्रकाशित करते हैं, तो अपने सारी एड़ी चीटी का जोर लगाकर जिस तरफ भी हो गौओं और ब्राह्मणों को मार डाले। ये जो कलयुग का वो है और कल फिर जो कलयुग पुराण का ये जो श्लोक है विप्रा गावाश्च वेदाश्च, जहां वेद पाठी ब्राह्मण वेदाश्च तप सत्यम दम सम श्रद्धा दया दीक्षा च प्रतवश्च हरे तनु, जो हरि के शरीर हरे तनु हरि के शरीर क्या है तो गौ ब्राह्मण वेद पाठ और फिर जो तप सत्य दम सम श्रद्धा दया है ये हरि के विष्णु भगवान के शरीर है और इन पर कुल्हाड़ा बजाना है तो गौ ब्राह्मणों को मार डालो। तो ये जो हम देख रहे थे कि किस प्रकार कलयुग की माया प्रचारित हुई तो उस पर किस प्रकार फिर कल्कि भगवान महाविष्णु ने अपने अवतार लेने का संकल्प लिया तुमने देखा था। और हम जो गुरु ब्राह्मण की प्रार्थना के जहां तक संबंध है हम देखते हैं कि हमारी सभी हमारे समर्पण हमारी सभी प्रार्थना में किस प्रकार करीब करीब हर एक परिच्छेद में गौ ब्राह्मण के लिए हमारी प्रार्थना है। तो हमने कलयुग की माया जो देखी थी अब उसके आगे का जो आगे की जो कथा है आगे का जो गुरु लक्ष्मण जी के साहित्य से जो आगे का वर्णन है गुरु जी लिखते हैं अंग्रेजी माया ने अपना काम किया, जो काम मुसलमान शासक 900 वर्ष में न कर पाए वह काम अंग्रेजों ने 150 साल में कर दिया और अब भी अपने उत्तराधिकारी शिष्यों द्वारा करा रहे हैं। यहाँ पे उनका संदर्भ है स्वतंत्रता के बाद में भारत में जब कांग्रेस का शासन हुआ और किस प्रकार वही अंग्रेजी जो नीतियां चालू रही गौ हत्या गौ ब्राह्मण विरोधी नीतियां जिसके बारे में वो लिखते हैं वर्तमान काल के सुधारवादी नेतागण और हिंदू धर्म में दोष दृष्टि रखने वाले प्राणी अंग्रेजी माया की ही पैदावार है, अतएव ये सब कलयुग के सैनिक हैं और इनके हृदय का भाव मदिरा के दुर्गंध की तरह गौ ब्राह्मणों के विद्वेष के रूप में प्रकट हो रहा है, ये सब अंग्रेजी माया की देन है। तो यहाँ पे गुरु जी लिखते हैं किस प्रकार जो काम मुसलमान शासक न कर पाए 900 वर्ष में वो अंग्रेजों ने 150 साल में कर दिया और किस प्रकार उनके उत्तराधिकारी अकबर सरकार ने वह काम चालू रखा और अभी भी वो गौ ब्राह्मण विरोधी जो नीतियों की वजह से अभी वर्तमान परिस्थिति क्या है जिसके बारे में पंडित मनुकांत जी ने जो लिखा है पद गिरधारी की गौओं का बैरी संसार हुआ धर्म की रक्षा करने को कल्कि अवतार हुआ डोल उठी पापों से धरती ऐसा भार हुआ धर्म की रक्षा करने को कल्कि अवतार हुआ। और गुरुवर लक्ष्मीनारायण जी ने वर्णन किया कि किस प्रकार इस्लाम के शासन के दौरान अंग्रेजी शासन के दौरान किस प्रकार गौ हत्या रही और किस प्रकार उसके बाद में भारत के स्वातंत्र के बाद में भी वो किस प्रकार भारत में चालू रही। तो गुरु लक्ष्मीनारायण जी लिखते हैं जो भारत की शत्रु पाश्चात्य दानवता या कल्कि अवतार अंग्रेजी का घोर शत्रु क्यों वो लेख में जो उन्होंने जो वर्णन किया है ये तो उसमें लिखते हैं कि अंग्रेजी शासन ने भारत की संतानों के मन से परिवार पोषण धर्म का सम्मान माता पिता का सम्मान सदग्रंथों के सम्मान की भावनाओं को हटा दिया और इतना संकुचित और संकीर्ण कर दिया कि अपने कमाए हुए धन को इनकी सेवा में लगाने से विमुख कर दिया। अंग्रेजों ने हमारे व्यापार पर अधिकार किया किसान की सारी कमाई पर अधिकार किया और अंत में खेती के धंधे पर कब्जा करने वाले थे और भारतवर्ष को एक जेल खाने की तरह कैदियों की तरह खाली रोटी व लंगोटी तौल तौल कर सात सात छटांक रोटी और नाप नाप कर जेल खाने की बंदियों की तरह कपड़ा देकर सारी कमाई इंग्लैंड भेजने का विचार कर ही रहे थे कि ऐसा हिंदू जाति का हिंदू धर्म के सर्वनाश का उपक्रम देखकर इस देश के सच्चे स्वामी हिरण्यकश्यप के मारने वाले रावण व कंस के मारने वाले गौ ब्राह्मणों और धर्म की रक्षार्थ युग युग में अवतार लेने वाले क्षीर सागरवासी महाविष्णु गोपाल कृष्ण ने कल्कि रूप के धारण करने का संकल्प लिया और बालमुकुंजी के रूप में
ब्राह्मण के घर हनुमान जी को जन्म दिया और अपने अवतार धारण करने की रहस्यमयी लीला का उन्हें अनुभव दिया। तो ये जो कल्कि भगवान की लीला है, किस प्रकार गौ ब्राह्मणों के केंद्र में रखकर है, जैसे कि कल हमने इस बात पर विचार किया था कि अब पिछले 5 वर्षों में, कुछ वर्षों में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार लोगों की कल्कि भगवान के बारे में जागृति आप देख रहे हैं, और काफी ऐसी भविष्यवाणी भी देख रहे हैं कि जैसे अब लोग 4 लाख 32 हजार ऐसा लगता है कि उसके चक्कर में से बाहर आकर ये भविष्यवाणी देख कर सोच रहे हैं कि शीघ्र ही कुछ होने वाला है, कल्कि भगवान प्रकट होंगे या कलयुग की समाप्ति होने वाली, सतयुग आने वाला है, ऐसे बहुत सी भविष्यवाणी है, बहुत से संगठन ऐसा कह रहे हैं। पर इसमें से कोई ये संगठन या कोई व्यक्ति अभी ये नहीं कह रहा है कि ये यदि होता है तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारा क्या कर्तव्य है, कल्कि भगवान की क्या इच्छा है, कल्कि भगवान क्या चाहते हैं, वो क्यों प्रकट हो रहे हैं, उनको प्रकट करने के लिए हमको क्या प्रार्थना करनी चाहिए, यदि उन प्रार्थनाओं में किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए या कोई इसका कोई मंत्र है। तो इसमें जैसा कि गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने जो लिखा कि कल्कि भगवान की नई लीला के राज्य शासन आदेश हमारे पास आए, मेरे पास आए हुए हैं, मतलब जैसे कोई नई सरकार आती है तो नई सरकार जैसा अपना नए कानून बनाती है, तो इस प्रकार जो कल्कि भगवान का जो शासन है उसके लिए कल्कि भगवान के मन में मन मिलाकर हमको जो करना है, ये कल्कि भगवान क्या चाहते हैं। तो जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान ने वो श्रेय बानो सेना को दिया कि जब उनका युद्ध हुआ लंका में रावण के सामने, तब देवता सभी देवी देवता जिन्होंने बानो के रूप में अवतार लिया था वो किस प्रकार भगवान की लीला में जुड़े और भगवान के लिए उन्होंने काम किया, इसी प्रकार सिर्फ कल्कि मंडल को गुरु लक्ष्मीनारायण जी के नेतृत्व में जो गुरु बाल मुकुंद जी के द्वारा स्थापित कल्कि मंडल, जिसमें गुरु लक्ष्मीनारायण जी के पास जो लिखते हैं नए राज्य शासन आदेश, जिसमें सिर्फ कल्कि मंडली कल्कि भगवान ने अपना गुप्त लीला का जो बताया हुआ है कि किस प्रकार ये गौ ब्राह्मणों के लिए अवतार हुआ है, किस प्रकार हमारी प्रार्थना में गौ ब्राह्मणों के लिए सत्यु की स्थापना के लिए प्रार्थना होनी चाहिए, और वो प्रार्थना कैसे हमारे मंत्र के साथ में करनी है, किस प्रकार जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते मंत्र के द्वारा साधना करनी है और उसका तप भगवान को समर्पण करना है, जिससे भगवान ने जो कहा है कल्कि नाम जप की महिमा में कि इस मंत्र, कल्कि भगवान ने जो कहा कि इस मंत्र को जपने से तुम्हारा भी बल बढ़ेगा, देश का भी बल बढ़ेगा, और मैं शीघ्र ही युद्ध छेड़कर सतयुग भूमि का भार उतारूंगा और सतयुग से ही प्रकट होगा। ये जो है कल्कि भगवान की गुप्त लीला, और ये जिसको पंडित मनुकांत जी ने इस प्रकार जो वर्णन किया है भजन में,